ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में पाई चार्ट का निर्माण कैसे करेंगे उसको यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। तो एक्सेल में इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि कई प्रकार के हम ग्राफ्स बनाते हैं या चार्ट्स बनाते हैं। तो ये चार्ट सेक्शन है जो मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे कई प्रकार के चार्ट्स हैं। तो इन चार्ट्स में आज हम यहाँ पे देखेंगे ये पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स का निर्माण कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम आज थोड़ा जानेंगे। तो पाई चार्ट्स के लिए आपको पता है कि जब हम सर्कल बनाते हैं तो 360 राउंड में वो सर्कल बनता है। तो हमारा जो पाई चार्ट्स का जो टोटल है वो 360 आना चाहिए। एक तो ये मेथड है कि हम 360 लेके उसको बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि 360 ना हो तो भी ना बने, वैसे भी बन जाता है, लेकिन 360 से बहुत अच्छा राउंड में पाई चार्ट बनता है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, कार सेल्स इन इंडिया ईयर 2021। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स हैं जो कंपनियों के मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, टोयोटा, निसान, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने सेल करी, जैसे 150 मारुति ने करी, हुंडई ने 100 करी, टाटा ने 60, टोयोटा ने 30 और निसान ने 20 करी। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हम इसको ये मान लेते हैं कि एक दिन की सेल मान लेते हैं इसको। अब इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो हम जो फील्ड है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक टोटल को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हम टोटल को भी हटा भी सकते हैं, हमें केवल इतना सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जाने के बाद हम पाई चार्ट में जाएंगे, यहाँ से आप जैसे पाई चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो कितने आसानी से यहाँ पर ये पाई चार्ट बन गया। अब इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं विभिन्न कलर्स के माध्यम से और विभिन्न एडिट के माध्यम से, किसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पे हम हेडिंग भी डाल सकते हैं कस्टमाइज करके, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हम कार सेल्स इन इंडिया, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सबके कलर जो लेजेंड है यहाँ पे आ रहा है, और ये अगर आपका थोड़ा स्मॉल दिख रहा है तो आप यहाँ से जाके इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे और क्लियरिटी आ जाएगी। इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक है तो डिफ़ॉल्ट हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन हो गया। इसी प्रकार आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड जैसे कलर है यहाँ से इसको लाइट हम इस प्रकार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने पहले भी बताए थे। प्लस के चिन्ह में जाएंगे, यहाँ पे डेटा टाइटल दे रखा है, यहाँ पे हमने कर लिया। और डेटा लेवल यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बीच में भी कोई प्रिंटेड हो तो इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाकर इसको बोल्ड करके इसको यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए तो और क्लियर ये दिखाई देगा। और इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं तो आप देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद इसमें और यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, डिस्प्ले की फॉर्मेटिंग की आप किस प्रकार देखना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार भी देख सकते हैं आप। तो इसमें देखो कितना अच्छा 3D के करीब लग रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। परसेंटेज भी इसमें आ रही है, प्लस परसेंटेज प्लस यूनिट्स इसमें दोनों चीज़ दिखा रहा है, इसमें भी ऐसे दिखा रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट देखो, ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया और इस प्रकार। तो आप अपने अनुसार इसको कई तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार। तो हमने कई प्रकार के आपको दिखाए, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल से भी ये नहीं था, दूसरा था। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे नेम भी आ रहा है और उनकी परसेंटेज भी आ रही है और यूनिट भी आ रही है, तीनों चीज़ आ रही है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम इसको दूसरे उसमें ले जाते हैं जो इसका ओरिजिनल था बेस। तो इतने सारे हमने दिखाई, ओरिजिनल बेस था। यहाँ पे हम इसका कलर, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे, डिफ़ॉल्ट कलर है, तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कलर। ये देखिए इस प्रकार, ऐसे कलर भी ले सकते हैं आप, इस प्रकार भी ले सकते हैं। ये शेडिंग है, तो यहाँ से अलग अलग आएंगे, ये अलग अलग आएंगे, यहाँ से भी अलग अलग आएंगे। तो इस प्रकार हम ये भी कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि पूरे ना दिखाया जाए, कुछ किसी को डिफॉल्ट कम करना हो, जैसे हमें टाटा नहीं चाहिए, टाटा नहीं करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा। तो इस प्रकार भी हम इसमें कर सकते हैं, तो कस्टमाइज अपने अनुसार इसको किया जा सकता है। इसके बाद इसी का अगर हम एक 3D शेप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। हम फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम फिर 2D हमने बनाया था, अब हम 3D बनाते हैं। तो आपने देखा कि हमने 3D यहाँ पे ले लिया है, तो 3D देखो कितना शानदार इसमें दिख रहा है। और इसमें भी कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे इसमें डेटा लेवल हम इसमें डाल सकते हैं, यही 60 ये दिख रहा है आपको डेटा लेवल। ये अगर हम यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है तो हम इसको वाइट कर देते हैं और बोल्ड करके इसको इंक्रीज कर देते हैं फॉन्ट, तो ये क्लियर दिखने लग गया है। यहाँ पे ये है, इसको भी हम इंक्रीज कर देंगे तो ये और क्लियर दिखाई देगा। तो इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड हम लाइट येलो कर सकते हैं। तो इस तरह कम्बिनेशन है। तो आपने देखा कि आप अपना जो डेटा है उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इससे कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना हो या रिपोर्ट लिखनी हो तो उसमें आप इन डेटा के साथ साथ इन ग्राफ्स का प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्सेल में 1 मिनट के अंदर हम चुटकियों में कोई भी चार्ट आसानी से बना सकते हैं और यहीं से हम इसको कॉपी करके कहीं और भी मूव करा सकते हैं जहां पर आपको चाहिए। तो देखा आपने कि पाई चार्ट को हम कितने आसानी ढंग से इसमें हमने बनाया। तो इसी प्रकार और सारे चार्ट हम इसमें बनाना आपको सिखाएंगे। मेरे सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, कई सारे लिंक्स, उसमें आप जाकर और भी एक्सेल में जो जो कार्य किए हैं या फॉर्मूले या चार्ट्स आप बना सकते हैं वो सब का डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाकर भी वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।